हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम शिवलिंग, मध्यम शिवलिंग अथवा अधम, चार उंगल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्याएं हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों को 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदों युक्त विधि से पूजा आराधना करनी चाहिए। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों का पूजन करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासकों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग की नियमित पूजा भव सागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदों युक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नव वेदांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान हैं। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन करें तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपदिरेश्वर, शुक्र तथा सोम हैं, का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कार्तिक मुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और ईष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही
त्रिपुंड का निर्माण करने के पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।